तेरा दिमाग ये जो रात में जो लाइव था ना, रात में दारू पी के लाइव था। हाँ। एक नंबर का नशेड़ी आदमी है। आप लोग इसके इलाका में जाके, मैं सभी पत्रकार भाई को बोलता हूँ, इसके इलाका में जाके पता करो किसका रिपोर्टेशन क्या है, इसका इज्जत क्या है। मैं पंजाब सरकार, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब के जितने भी अपने प्रशासन है, सभी से अपील करूंगा कि ऐसे जितने भी तत्व हैं इस तरह के, हर एक समाज में होते हैं, जितने भी समाज में इस तरह के पंजाब के धरती पे है, सभी को मुकदमा दर्ज करके अंदर कीजिए, ताकि पंजाब का स्थिति खराब ना हो सके, पंजाब के धरती दूषित ना हो सके इनके खून में। क्योंकि जो बहरूपिया होते हैं ये किसी के नहीं होते हैं। मैं बिहार सरकार को फिर बोलना चाहता हूं कि आप मनीष कश्यप जैसे बंदे को टारगेट करने की जगह, जो बिहार की आवाज को दिखा रहा है उसको टारगेट करने की बजाय अब बिहार पर ध्यान दे दो, बिहार में इंडस्ट्री लाओ कि हमारे बिहार यूपी के मजदूर को दूसरे राज्य में ना जाना पड़े, ताकि दूसरे राज्य के लोग हमारे यहाँ आए काम करें और हमारे यहाँ टारगेट ना करना पड़े, कि हमारा मजदूर को बंधुआ मजदूर ना बनना पड़े और अपने आप को बिल्कुल जलील ना करना पड़े और जलील होकर काम ना करना पड़े। आप अपने भाषा में इसको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमने अपन भाषा में बोल रहे हैं कि तू सुन ले नीतीश कुमार, हमने के रोजगार दे दे, हमने बिहार के ही है, बिहार हमने जितना बिहार के सब हमने इज्जत मान लो जिए ले, लेकिन तू क्या कर ले, हमने के पंजाब से ज्यादा, पंजाब के लोग से ज्यादा हमने के तू बंधुआ मजदूर बना देना है। कहे कि तोर काम कोची हम गांजा पी के कब किधर पलट जी में कोई पता ना हो। बात सुन, तू काम कहना है, ऐसा बात ना हो कि तू काम ना कहना है, काम कहना है, लेकिन रोडवा के लेके हमने चाटे भाई है, तो नल कल के लेके हमने चाटे भाई, तू हमने के इंडस्ट्री वहां ले आओ, हमने के रोजगार दे, मजदूरी दे, कि हमने के दूसर राज्य में ना आवे पड़े, हमने के लात जूता ना खाए पड़े, हमने के ये सब कुत्ता दू टका के इंसान के हमने के गाली सुने के ना बताए। तू ही काम कर, 5 बार से तू मुख्यमंत्री है, जे तू मोदी जी से प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहना है कि अति का दर्जा दे दे विशेष राज्य, हाँ विशेष राज्य का दर्जा दे दे, हमने के विशेष राज्य का दर्जा ना चाहिए तो हमने के इंडस्ट्री दे दे। आओ चिराग पासवान जी, तो हमने बोली थी कि तू बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जो अथी लेके नारा लेके चल रहा है, बिहार में इंडस्ट्री लावा और संसद भवन में आवाज उठावा कि बिहार यूपी के लोग अगर कहीं भी है तो वहां के सरकार उखड़ी के सुरक्षा के जिम्मा लेवे, न तो हमने के वापस भेज देवे कि तू अपन बिहार में चल जाओ, हमने के तोरा से लेना देना ना है। और मैं बोलता हूँ सैंडविच को भी आप अपने भाषा में समझाइए, सैंडविच का तो इतना जूता मार भी ना, इतना जूता मार भी कहे शेर, शेर कितना बकरी के छाल पहनते तो शेर थोड़ी बनता है, बकरी रहता है, तब से तोरा ऐसा मेमना हमने ही बकरी जो है ना वो खेत में चरल है और वो शाम के ना हमने यहाँ चुपचाप घर ना के मैं करते रह ले, तो तू जितना मर्जी मैं कर ले बकरी रहे, कभी ना शेर ना बनवे। मैं इसीलिए बिहार वासियों को यही अपील करूंगा कि आज हमारे राज्य में बिहार में इंडस्ट्री आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री चलेगा, यूपी में गुंडा राज से बोलता था है। आज यूपी में इंडस्ट्री चला गया, पंजाब के सारे इंडस्ट्री यूपी जा रहे हैं। अगर हम बिहार यूपी के लोग गुंडा होते हैं, मवाली होते हैं, तो यूपी इंडस्ट्री नहीं जाता। उसी तरह नीतीश कुमार जी, तोरा से अपील हुआ हमने की इज्जत मान बचा ला, हमने के गुलामी के जिंदगी मत जियावा, हमने के आजाद कर दल, कहे कि बेशक देश आजाद हो गए है लेकिन बिहार के मजदूर आज भी गुलाम है, बिहार ला तू बहुत कुछ कहला है, तो उसी तरह कमाओ कर दा कि तू इंडस्ट्री ले आवा, ताकि हमने के लात जूता ना खाए पड़े। और इसी शब्दों के साथ मैं बिहार के सरकार को बोलता हूँ कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कीजिए कि बिहार के जितने भी मजदूर लोग को दिक्कत आ रहा है, पंजाब सरकार में जो भी पंजाब राज्य में इस तरह का शांति फैलाने का काम कर रहा है उसके ऊपर पंजाब सरकार एनएसआई लगाए, अगर बिहार यूपी का भी आदमी अदर स्टेट में उसकी तरह शांति फैलाने का काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी एनएसआई लगना चाहिए। कोई भी हो, देश एक है, संविधान एक है, कानून एक है, फिर यहाँ पे सभी के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों? इन्हीं सबों के साथ सभी को भारत माता की जय, जय बिहार, जय पूर्वांचल, जय पंजाब।
जय श्री राम, जय श्री राम।